हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया हो गए। आज की वीडियो कुछ नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। जो अभी का व्यू है वो ये है, देखो जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से जो व्यू आ रहा है वही आ रहा है। कहर का व्यू है, सुबह ऐसी है। इस वीडियो में आपको लेके चलूँगा कहाँ, नॉलेन देवता के मंदिर और सनगाड़ मंदिर। तो यार अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे, घर से निकलते हैं फिर। अभी देखो जो मेरे सामने व्यू है ना, मुझे देख रहा हूँ गजब लग रहा है ना। पर और एक चीज दिखाता हूँ, रास्ता अच्छा लगा ना। टाइम पास बहुत हो गया यार, सफर तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, जाना बहुत दूर। थोड़ी ट्रैकिंग हो गई है, अब थोड़ी सी बाइक चला लेते हैं। यहाँ पे नॉलेन देवता का मंदिर है, लड़ना हमारा तैयार है पहाड़ी टोपी पहन के, तो मंदिर में एंट्री करते हैं। फौला रखा है एक, आप जानते तो होगे। जाएंगे वहाँ एक शिखर भंडार, शिखर का नाम तो सुना होगा। तो नहीं, नॉलिंग देवता जो हुए ये अवतारित तो होंगे। हाँ अवतारित इनके हुए, मतलब जो है विष्णु भगवान के हुए। उसको क्या बताया यार, वो भी नॉलेन देवता मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। और यार इस रास्ते में भाई एडवेंचर होने वाला था, अच्छा वाला। बस वीडियो में बने रहो और आगे देखते रहो यार, एडवेंचर क्या है। चलो फिर चलें। बस यहीं तक अच्छा रास्ता था, अब खतरनाक वाला रूट स्टार्ट होने वाला है। देखो मजा आने वाला आपको। फुल लेह लद्दाख वाला एक्सपीरियंस करने के बाद पहुंच ही गए। तो यार फाइनली मंदिर के पास पहुंच गए। रुको तो सही, क्या लगता है अब क्या होगा? एडवेंचर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये हमारी यात्रा हो गई स्टार्ट। देखो सामने मंदिर दिख रहा है, तो चले मंदिर के अंदर। चलो 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 घुमाते हैं यार। फाइनली मंदिर पहुंच गए, लेकिन मंदिर में दर्शन करने से पहले कहीं और चलते हैं।
ये सरप्राइज़ कैसा लगा? मस्त है ना? तो यार अब चलो फाइनली मंदिर चलते हैं और आपको मंदिर में दर्शन करवाता हूँ। टेंशन ना लो यार, मंदिर की स्टोरी भी है। तो चलो इसका नाम भूगौर कहते हैं और इस साइड से इसमें हवा फूकी जाती है। नहीं बज सकता यार ऐसे काम, छोटा वाला बज रहा था मेरे से। ये तो मंदिर यहाँ बहुत कई बरसों से पुराना ही मंदिर था, पहले छोटा मंदिर था। इसमें बीच में जीर्णोद्धार किया गया है, बड़ा मंदिर बना। ये नौलिंग जी का मंदिर हुआ, उधर शिखर ऊपर शिखर में मोहन नारायण जी कहते हैं, वहाँ इनके पिताजी बताए जाते हैं। उधर बनार में अभी बंजारण जी रहते हैं, वहाँ इनके भाई बताए जाते हैं। और यहाँ एक राक्षस रहा करता था पहले, कई सौ वर्ष पहले। उस राक्षस को साधने के लिए आए यहाँ नौलिंग जी। बहुत दिनों तक उस राक्षस से युद्ध हुआ, उसके बाद यहाँ सारे देवी देवताओं को भी बुलाया गया। तब तक नौलिंग जी उस राक्षस को साथ दिया था। उसके बाद ही यहाँ अभी देवताओं की राजधानी भी बोला जाता है। यहाँ माता भगवती जगदम्बा यहाँ आज सब्जी हो भी हुई, नौलिंग जी, बजरंग जी, मोहन नारायण जी, और साथ ही ये भैरव का स्थान है। नीचे में भैरव देवता भी इधर हैं जो काशी से बुलाए गए उस समय। तो यही यहाँ का इतिहास। तो यार दोस्तों आज का सफ़र यहीं तक था, मंदिर की आपने पूरी स्टोरी सुनी। और मंदिर देखो इसकी मान्यता बहुत बड़ी मान्यता है, शायद वो सब चीज़ें मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ या यहाँ के लोग नहीं बता पाए। और बहुत से लोग कई चीज़ें बताते हैं लेकिन हाँ कुछ चीज़ हमने आपको बताई है। हमने यहाँ जो पूछी अपनी ज़ुबानी कुछ नहीं है, जो लोगों ने यहाँ के जो रहवासी हैं उन लोगों ने बताया है, ठीक है वो चीज़ होगी। और मंदिर तो देखो मंदिर तो सभी जगह अच्छे होते हैं। आज का हमारा सफ़र यहीं तक था, इस वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे आगे का पूरे दिन की जो स्टोरी होगी वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी और वापसी भी हमारी जो होगी वो सब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है चलो आगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक चैनल पे बने रहो यार और नीचे की वीडियो देखो, थोड़ा सपोर्ट करो भाई। तुम्हारे कहाँ कहाँ जंगलों में घूमने में लगे यार, कहाँ कहाँ से मंदिर ढूंढ के ला रहा हूँ। देखो सीजन चल रहा है हमारा मंदिर घूमने का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।